कौन कहता है जाग रजनिया जाग, उसी में है ना कि जगाने वाला एक ही बेहद का बाप है, उसको साधन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सब सजनिया या भक्तियां कहो या आत्माएं कहो उनको याद करती है। तो इसी हिसाब से हम सब याद करने वाले सजनिया और उनको याद करते हैं वो हो गए साजन। तो अभी वो बाप, उसको बाप भी कहें तो अभी बाप कहता है कि अभी जागो, उसकी मतलब है कहाँ सोए हुए हैं, सोए हुए कोई तो जगाया जाता है ना, तो अभी सोए हुए को आकर करके बाप जगा रहा है। तो कैसे सोए हुए हैं वो बैठ करके समझाते हैं, ऐसे नहीं है कि जागे बैठे हो, नहीं, जगाना और सोए किस में है वो चीज बैठ कर करके समझाते हैं कि जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का सदा काल का सुख था और जो प्राप्ति थी वो खो बैठे हो और खो कर करके फिरा अपने दुख के इस जन्मों में अभी चल रहे हो। तो जैसे उस सुख से तो सो गए हो ना, पता ही नहीं है कि हमारा कोई सदा काल का भी सुख था जिस सुख में हम सदा सुखी थे, तो उसको भूल गए हो अर्थात उससे सो गए हो, नहीं जानते हो, ना अपने के सुख को जानते हो ना सुख दाता बाप को जानते हो कि हमको बाप के द्वारा क्या वर्षा मिला था और उसमें हम कितने सुखी थे, इन बातों को नहीं जानते हो। तो उससे माना उसको भूल गए हो या उसे सो गए हो, अभी फिर बाप आकर करके नई दुनिया की जागृति दे रहा है, कहानी नव युग आया है। तो अभी ये नया युग कहो, अभी ये पुराना युग, कलयुग को पुराना युग कहेंगे ना, सतयुग को नया युग कहेंगे। तो अभी नया युग आ रहा है अर्थात नई दुनिया, अब ये पुरानी दुनिया खत्म होती है और नई दुनिया आ रही है। तो बाप कहते हैं अभी जागो, फिर से वही नई दुनिया अथवा सुख की दुनिया अभी फिर से आ रही है, लेकिन उसके लिए अभी तुमको क्या करना है वो उठ के कर हा? तो अभी जगा रहा है उसी करने के लिए कि उसके लिए नए युग के लिए अथवा नई दुनिया के लिए उसके लिए क्या करने का है, वो करना तो अभी है ना, तो उसी का अभी सैपलिंग अथवा कर्म श्रेष्ठ की प्रालबद्ध अभी लगानी है। तो अभी लगाएंगे तभी फिर प्रालबद्ध को पाएंगे, इसलिए बाप कहते हैं जागना तो अभी है ना, ऐसे नहीं है जागेंगे पीछे, अभी जागना है, अभी कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, जिस श्रेष्ठ कर्म के आधार से फिर अपनी प्रालबद्ध श्रेष्ठ को पाना है। तो अभी कहते हैं अपने कर्मों को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ रखो, यही लॉस्ट जन्म है तुम्हारे, इस पुराने जन्मों का ये लॉस्ट जन्म है, इसमें ही अभी तुम अपने कर्म को श्रेष्ठ कर करके उसका जो सैपलिंग अथवा फाउंडेशन लगाएंगे उसके आधार से फिर तुम नए युग अथवा नई सतयुगी दुनिया के सुख को पाएंगे। तो लगाना तो अभी है ना, काम अभी करना है, पीछे काम नहीं करना, पीछे तो खाना है, प्रालबद्ध प्राप्त करने की है, जो करेंगे सो पाएंगे, लेकिन करना तो अभी है ना, तो अभी क्या करना है उसकी बेहतर करके ये नॉलेज अथवा शिक्षा दे रहे। तो अभी वो तो शिक्षा जो आते हो रोज अच्छी तरह से समझते हो कि अभी उसके लिए क्या करने का है, हमारा ये जन्म जन्मांतर जो उल्टा हुआ वो किस बात से बिगड़ा और किस कारण से हम दुखी हुए, वो अभी बुद्धि में है, कारण का पता है कि दुख का कारण कहाँ से हुआ, दुख का कारण कोई परमात्मा ने नहीं दिया,
दुख का कारण हम अपने भूल के कारण दुखी हुए है। वो भूल कौन सी हुई है? वो भूल आकर के करेक्ट कराने के लिए अभी बाप उसकी रोशनी दे रहा है, तो वो रोशनी देता है। बाकी ऐसे नहीं है कोई चमत्कार दिखाए है या कोई लाइट या कुछ ज्योति, नहीं, यही ज्योत जगाना अर्थात इस बात की आकर के रोशनी देता है कि तुम्हारे में कौन सी कारण से ये दुख आया है, वो कौन सी भूल हुई है, वो भूल को आकर करके करेक्ट कराती। तो परमात्मा ने आकर करके भूल को करेक्ट कराया अर्थात उस बात की रोशनी दी है। नॉलेज को भी रोशनी कहा जाता है। देखो डॉक्टरी नॉलेज की तो डॉक्टर बन जाते हैं, तो देखो ये डॉक्टरी नॉलेज डॉक्टरी की रोशनी हो गई ना, जिससे पता चलता है भाई जिस्म क्या है, उसको कैसा बिगड़ता है, फिर उसको कैसा बनाना होता है। तो इन सब बातों की रोशनी डॉक्टरी नॉलेज, तो नॉलेज को रोशनी भी कहा जाता है। बाकी रोशनी का अर्थ ये नहीं है कुछ रोशनियां देखेंगे तो कहीं समझते हैं कोई साक्षात्कार होता है या कोई रोशनी या लाइट का कुछ थोड़ा देखते हैं तो समझते हैं ये हमने रोशनी पा ली। परंतु ये रोशनी पाने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ हम देखें तो बस हमने वो पा ली, नहीं, ये तो है नॉलेज। नॉलेज को रोशनी कहा जाता है, तो उन बात का नॉलेज मिलता है अथवा रोशनी मिलती है कि भाई ये बात कैसे है। जैसे ये देखो अभी है यहाँ तो आज की रोशनी भाई ये कैसी चलती है, कैसी बनती है, कैसी है, तो जिस बात की उसको भी रोशनी का भाई इस चीज काम को रोशनी है। परंतु तो उसका रोशनी का मतलब ये तो नहीं ना रोशनी देखी तो बस हम वो रोशनी पा ली, नहीं, नॉलेज चाहिए। तो इसी तरह से बाप भी आकर करके हमको हमारे बिगड़ने का और फिर बिगड़ा हुआ बात को सुधार कैसे हो गए इन सब बातों की रोशनी देता है। तो रोशनी नॉलेज से देगा ना, बाकी रोशनी कुछ दिखाएगा थोड़ी रोशनियाँ, नहीं, नॉलेज देगा। तो उसने भी आकर करके नॉलेज दिया है, शिक्षा दी है, समझाया है, क्योंकि हमारी कोई भूल हुई है तो उस भूल के ऊपर समझाया जाता है। भूल के ऊपर कोई दिखाया तो कुछ नहीं जाएगा ना, यहाँ रोशनी दिखाएगा या कुछ साक्षात्कार कराएगा तभी कोई समझेगा कि हाँ भाई ये कुछ है, नहीं, उसके लिए नॉलेज चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो हमारी हुई है भूल और कर्म हमारे भ्रष्ट भी भूल से हुए है, यानी भूल के कारण। तो ऐसे नहीं हम भ्रष्ट बने हैं कोई भूल के कारण, अभी श्रेष्ठ भी बनेंगे उसको भूल को करेक्ट करने से, बाकी ऐसे नहीं है कुछ देखने से, नहीं। तो इसीलिए कहीं जो ये इच्छा रखते हैं कि साक्षात्कार हो या हम कुछ देखें, तो देखने से कोई भूल थोड़ी करेक्ट हो जाएगी, भूलों की समझ से करेक्ट, उसके लिए समझ चाहिए। और भूला जाता है कोई भी बात में मनुष्य तो बेसमझी से, कोई बात की बेसमझी से भूल हो जाती है, फिर उसी भूल को करेक्ट करने के लिए उसी बात की फिर समझ लानी होती है। बाकी ऐसे तो नहीं, नहीं कुछ देखने से या उनसे, तो ये भी चीजें समझने की हैं कि हमारी भी कोई भूल रही है जिससे हम अपने कर्मों में भ्रष्ट हुए हैं और भ्रष्ट कर्मों के कारण ही दुखी हुए हैं। तो हमारे दुख का कारण भूल है, अभी उसी भूल को करेक्ट करने के लिए फिर बाप को भी ज्ञान देना पड़ेगा ना, समझ। तो समझाने के लिए तो उसको जरूर है कि कोई कॉलेज या स्कूल की तरह से बैठकर कोई भी बात समझानी होती है तो समझाने की तरह से, देखो ये नॉलेज है, डॉक्टर बनाना होता है तो डॉक्टरी कॉलेज है ना भाई, उसमें बैठ करके नर अथवा नारियों को वो शिक्षा दी जाती है जिससे वो डिग्री लेते हैं, अर्थात वो डॉक्टर या इंजीनियर या बैरिस्टर वो नॉलेज से बनते हैं। तो ये भी उसको अब आकर करके इस चीज का भी नॉलेज देना पड़े ना, तो नॉलेज भी इसी तरीके से देंगे ना, उसके लिए और क्या तरीका हो सकता है। मनुष्य को समझाना और उसी स्टेज पर लाना, उसके लिए तो इसी तरीके से समझाना होगा ना। इसलिए देखो इसको कोई कॉमन सत्संग नहीं कहा जाता है, जैसे और सत्संग है बस आया खाली सुना, चलो हम दर्शन किया या दो वचन सुना बस सुन के चले गए, ये वो चीज नहीं है। ये तो स्कूल अथवा कॉलेज की तरह से चीज है, जैसे डॉक्टरी कॉलेज में कोई जाएगा तो डॉक्टर बन के निकलेगा ना, वो डिग्री पा के निकलेगा। इसी तरह से ये भी वो चीज है जहाँ हम आकर करके वो पा कर करके ही रहें, बाकी ऐसे नहीं आए खाली सुन के चले गए, नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की कॉलेज समझो। ये प्रैक्टिकल जीवन में हमारी जीवन का आदर्श क्या है, उसी चीज को पाके कैसे रहना है,
उसकी प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यहाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मिलती है कि घर गृहस्थ में रह कर करके अपने प्रवृत्ति का जो आदर्श है वो कैसे बनाए, क्योंकि हमारे प्रवृत्ति का आदर्श बहुत ऊंचा है और अनादि प्रवृत्ति है। अनादि कोई संन्यास तो नहीं है ना, वो जो संन्यास मार्ग है तो उनको तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि वो कोई यहाँ संन्यास मार्ग कोई यथारथ मार्ग है, नहीं। हमारा नर और नारी दोनों अनादि हैं और उस अनादि दोनों को पवित्र प्रवृत्ति में कैसे चलना है उन्हीं को उच्च आदर्श कहेंगे। इसीलिए गीता में भी कर्म योग को श्रेष्ठ रखा कर्म संन्यास से। वास्तव करके कर्म संन्यास अक्षर भी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि कर्मों का संन्यास होता ही नहीं है। संन्यास भी जो सन्यासी करते हैं ना वो घर गृहस्थ का संन्यास करती हैं, लेकिन कर्म का संन्यास नहीं करती हैं। फिर भी जाकर करके वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, पढ़ाना, ये भी कर्म हो गया ना, तो कर्म का संन्यास नहीं हुआ। हाँ, बाकी ऐसे कह सकते हैं घर बार का संन्यास, तो घर बार का संन्यास माना कर्म का संन्यास तो नहीं हुआ ना। फिर भी एक कर्म छोड़ा दूसरा कर्म जाके लेती है, कर्म बिना तो कोई रह नहीं सकता है। इसीलिए कर्म संन्यास अक्षर भी कह नहीं सकती है, क्योंकि कर्मों का संन्यास हो ही नहीं सकता। जो भी कुछ करना है वो कर्म ही है ना। चलो वे शास्त्र पढ़ना या हठ योग या प्राणायाम जो भी जाकर के करते हैं, ये भी तो कर्म ही है ना। तो कर्म के बिना तो मनुष्य रहा नहीं जा सकता है, इसीलिए कर्म का संन्यास होता ही नहीं है। हाँ, बाकी उसको कहेंगे घर बार छोड़ के चले गए, यानी घर बार का संन्यास, पर तो वास्तव करके हमको पवित्र बनने के लिए कोई घर बार के संन्यास की बात नहीं है। वो तो हमारे सामने पूज्य अपने जो पूजनीय देवताएं हैं उनका भी आदर्श है, वो भी घर बार वाले थे ना, लेकिन उन्हों को हम क्यों कहते हैं पवित्र, तो उसकी माना घर बार में भी पवित्र थे। और इसीलिए हमारे प्रवृत्ति का नाम भी देखो है कि गृहस्थ आश्रम कहते नहीं, गृहस्थ को कहा जाता है गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ धर्म। खास हमारे भारतवासी देखो अपने गृहस्थ और प्रवृत्ति के ऊपर कैसे अच्छे नाम धरे हुए हैं कि गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ धर्म। तो धर्म और आश्रम का नाम दिया जाता है। धर्म किसको कहा जाता है? जहाँ पवित्रता की बात होती है। आश्रम किसको कहा जाता है? आश्रम में कोई खराबी या कोई ऐसी थोड़ी यहाँ विकारों का या कुछ ऐसी, आश्रम माना जहाँ शांति या सुख की या पवित्रता की बातें होती है। आप कहेंगे मैं हम फलाने आश्रम में जाते हैं, तो कोई भी आश्रम नाम सुनेगा तो सुनने से समझेगा भाई आश्रम में जरूर कोई शांति की या कोई अच्छी बातें यहाँ चलती होंगी, आश्रम में कोई खराब बातें या कुछ दूसरी बातों का तो नहीं होता है ना। तो हमारा गृहस्थी आश्रम था, हमारा गृहस्थी धर्म था। और नाते में भी कहते हैं भाई धर्म पति धर्म पत्नी, देखो नाते में भी आता है ना कि धर्म पति और धर्म पत्नी, तो धर्म का नाम आता है। अभी कहाँ है धर्म का संबंध? हाँ, पति पत्नी का नाता अभी धर्म का कहाँ है? अभी अगर धर्म के बदली अधर्म का शब्द कहा जाए तो कह सकती हैं, क्योंकि अभी विकारों का संबंध है। इसीलिए हमारी प्रवृत्ति का जो इतना नाम अच्छा था और प्रवृत्ति का जो आदर्श था वो तो अभी नहीं रहा है ना। इसीलिए बाप कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रैक्टिकल लाइफ का प्रैक्टिकल जो तुम्हारा आदर्श था और जिसको ही कहा जाता था प्रैक्टिकल नेचर, कहीं मनुष्य समझते हैं कि नहीं ये तो विकारों में चलना और पति पत्नी का संयोग अथवा पति पत्नी का संबंध ये है ही विकारों से चलने का, पर बाप कहते हैं नहीं, पति पत्नी तो गाए ही जाते हैं धर्म पति, और पति पत्नी का संबंध बड़ा ऊंचा है और पवित्र नाते का है, लेकिन वो आज पवित्रता का बल नहीं है, ताकत नहीं है, इसीलिए वो विकारों में तुम जा कर करके अपना जो है फिर उसकी जो रचना रचते हो या उसमें जो कुछ चलते हो दुख शांति पाते हो। नहीं तो प्रवृत्ति का आदर्श बहुत ऊंचा है, नर नारी बहुत ऊंची चीज है और उनका आपस का संबंध भी, ये रिलेशन भी बहुत ऊंची चीज है, पर उस रिलेशन को कैसे निभाया जाए, किस तरह से उसमें चला जाए वो तुम लोगों को आता नहीं है। इसीलिए बाप कहते ये सभी आकर करके मैं अकल सिखलाता हूँ। क्यों? कि तुम्हारा विकारों ने अकल जो है ना वो छीन लिया है, तो खत्म कर दिया है। तुमको आता नहीं है कि आपस में इस सभी रिलेशंस में भी रहते कैसे चलना होता है, क्योंकि तुमने मेरे से रिलेशन कट कर दिया है ना। बाप से रिलेशन कट हो गया है तो फिर तुम्हारे भी रिलेशंस जो है ना वो बिगड़ गए हैं। पति पत्नी होके रहना नहीं आता है तुमको, बाप बेटा होकर के रहना नहीं आता है, राजा प्रजा होकर के रहना नहीं आता है,
सभी रिलेशन तुम्हारे बिगड़ गए हैं और सभी रिलेशन में तुम एक दो को दुख देते और लेते रहते हो, क्योंकि मेरे से रिलेशन जो है ना वो तुम्हारा अभी कट है, इसीलिए तुमको वो बल अथवा वो ताकत आ नहीं सकती है कि तुम्हारे सदा सुख के जो आपसी के रिलेशन है मनुष्यों का आपस का, वो तुम्हारे सदा सुख के कैसे रहे, वो रह नहीं सकते। इसीलिए बाप कहती है अभी पहले तो मेरे से रिलेशन जोड़ो, मेरे से जोड़ो तो मेरे से तुमको ताकत मिलेगी, वो ताकत तुम लोगों को आने से फिर तुम लोग अपने आपस के जो रिलेशन है तुम आत्माओं का वो सदा सुख का रहेगा। अभी हो गया है सदा दुख का, एक दो को दुखी देते हो तो दुखी का ही है ना। देखो अकाले मरना, सलीका रोग होना, देखो स्त्री को कुछ होगा क्या, पति को दुख नहीं होगा, पति को कुछ होगा स्त्री को नहीं, तो ये तो है ही दुख के कारण ना। तो ये सभी जो एक दो को दुख देना या दुख का होना तो ये सभी कर्म के हिसाब से हो गए ना, तो तुम्हारा कर्म का खाता या ये सभी जो दुख के खाते बने हैं तो तुम एक दो को दुख लेने और देने में इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे में अभी वो रिलेशन से निभाने की पूरी ताकत नहीं है। इसीलिए बाप कहते हैं वो ताकत मेरे रिलेशन से मिलेंगी, मेरे से तुम्हारा क्या रिलेशन है वो अभी तुम नहीं जानते हो। तो जब तक उस चीज को नहीं जानो और उस चीज के रिलेशन में ना आओ तब तक तुम्हारे भी जो रिलेशन है ना उसमें अभी वो ताकत नहीं है जो एक दो से सुख का बल ले सको, दुखी देने की बातें आती हैं। इसीलिए बाप कहते हैं अभी मेरे से रखो तो फिर तुम्हारे संबंध भी जो है ना वो सदा सुख के रहेंगे। तो प्रवृत्ति ऐसी थी, ऐसे नहीं है प्रवृत्ति है ही नहीं या ये संसार है ही नहीं या ये संसार कुछ बात नहीं है जो जैसे कहीं समझते हैं, नहीं संसार है, ये रिलेशंस भी अनादि है, ऐसे नहीं कहेंगे नर नारी कभी थे ही नहीं, अनादि हैं। लेकिन उन्हों का संबंध जो अभी बिगड़ गया है एक दो में दुख के और ये सभी कारण बन गए हैं, ये क्यों बना, ये दुख कहाँ से बीच में आया, इस रिलेशंस में दुख कहाँ से आया, ये रिलेशंस में दुख आया हमारे विकारी खाते के कारण। तो विकार जो बीच में आए ना उन्होंने हमारा खाता हमारा रिलेशंस ये सब दुख के कर दिया। इसीलिए बाप कहते हैं इनको बीच से निकालो, जिस चीज ने तुम्हारे इसमें दुख पैदा किया है तो दुख पैदा करने वाली जो चीज है ना उनका नाश करो। तो ये कोई मैंने नहीं पैदा किया, ये तो तुम्हारे विकारों ने पैदा किया कि विकारों के कारण तुम्हारे रिलेशन तुम्हारे कर्म का खाता जो है ना वो सारा दुख का हो गया है। इसीलिए अभी इस चीज को निकालो तो फिर तुम्हारा सब सुख का हो जाएगा। परंतु निकले कैसे, बात है कि निकले कैसे, इसीलिए कहते हैं अभी मेरे से अपना रिलेशन जो तो ताकत मिलेगी, उसके लिए चाहिए बड़े उसका पावर शक्ति। तो मेरे पावर से अथवा मेरे बल से ही तुम्हारे पाप जो है ना अथवा विकार जो है जो पाप बनाता है, ये कहीं नहीं समझते कि विकारों से ही पाप बनता है, पाप कहाँ से बनता है और पाप का नतीजा ही दुख है। ये तो भले कहीं समझते भी है कि भाई पाप के कारण पाप मत करो ये, लेकिन पाप होता कहाँ से है उनका भी तो पता होना चाहिए कि पाप कौन कराता है। अभी पाप कराते हैं ये विकार कि मोहवश ये भी पाप है, क्रोधवश ये भी पाप है, लोभवश ये तो पांच विकार हैं, यही तो पाप बनाते हैं। इन विकारों से जो हम कर्म करते हैं वो पाप के नतीजे में जाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं कि अभी इसको पाप न बनाओ, तुम्हारा पाप न बने तो उसके कारण ये विकारों को नष्ट करो। तो वो बैठ करके इस चीज की रोशनी देते हैं कि यही कारण है, अभी इसी कारण को मिटाने से फिर तुम्हारे रिलेशन तुम्हारे संबंध सदा सुख के होंगे। तो वो चीज बैठ करके समझा भी उसके लिए रोशनी देगा ना, ये रोशनी है ना अभी पता चलता है ना कि भाई किससे हमको दुख मिला है। तो जो दुख की देने वाली चीज है उसको तो जल्दी से खत्म करो, उसके लिए थोड़ी ऐसा कहना चाहिए आस्ते आस्ते धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा कर कर करने जल्दी कैसा होगा, ऐसा थोड़ी है भाई दो दुख दे रहा है चीज उसके लिए। देखो अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो कोई बीमारी दुख होता कहते नहीं डॉक्टर इलाज करके उसको तो जल्दी से चाहेंगे ना, तो कैसे भी वो चीज ठीक हो जाए, उसको थोड़ी कहेंगे आस्ते आस्ते धीरे धीरे हाँ थोड़ा थोड़ा करके। नहीं, जब अभी पता चला है किसी के कारण दुख है तो उसने काहे के लिए कहते हो आस्ते आस्ते, क्यों कि वो चीज आपको बहुत प्रिय लग गई है ना, वो विकार बहुत काल के चले होने के कारण वो अभी छूटना तो उसमें कहते आस्ते आस्ते। परंतु यही तो चीज है जिसने हमको देखो हमारे अनेक जन्मों से हमको दुखी किया है, तो दुख वाली चीज को तो झट से काट फेंक देना चाहिए ना।
जब ही पता चला। और ऐसी भी नई चीज है जिससे कोई हमारा काम नहीं चले, क्या क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा मुनिला? लोभ के बिना काम? कहीं समझते हैं लोभ नहीं करेंगे तो फिर हम कमाएंगे कैसे? कहीं समझते हैं मोह नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे संभालेंगे? कहीं समझते हैं क्रोध नहीं करेंगे तो आज की दुनिया में काम कैसा चलेगा? इसीलिए समझते हैं ये सब, और काम के बिना फिर बच्चे संतान कैसा पैदा होगा? वो समझते हैं भगवान का पैदा करने का काम, भगवान के चलाने का काम इसी सभी विकारों से ही चलने का है। इसीलिए समझते हैं ये विकारी सत्ता है, परंतु नहीं, ये विकारी है जिससे तो हम जुड़े हैं। कोई ये सत्ता नहीं है, वो हमारी पवित्र दुनिया भी चली हुई है जिसमें हम पवित्रता के बल से संतान भी पैदा रहा है, पवित्रता की बल से संतान की परवरिश भी हुई है, पालना भी हुई है। हमारा संसार पवित्रता के संबंध में चला हुआ है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ पवित्रता के बिना संसार कैसा चलेगा। तो ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझने की, इसीलिए कई जो समझते हैं कि विकारों से ही काम चलने का है, ये रॉन्ग है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि ये तो विकार पहले से नहीं है, ये पीछे हुए हैं। मैंने पहले पहले जो दुनिया बनाई, जो मैं बैठ करके अभी शिक्षा देता हूँ, जिस बात के लिए मैंने उसी चीज को बनाया था जो निर्विकारी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में भी कहते हैं वाइसलेस। देखो दो अक्षर है ना, वाइसलेस और विशेष, तो जरूर है कि वाइसलेस का मतलब है पांच विकारों को भी अंग्रेजी में फाइव वाइसेस कहते हैं ना, तो वो है ही वाइसलेस। तो वाइसलेस को ही तो निर्विकारी कहेंगे ना, बाकी ऐसे तो ही निर्विकारी का दूसरा कोई मीनिंग है। कहीं समझते हैं निर्विकारी की मीनिंग ही दूसरी है, इसीलिए वो समझते हैं ये पांच विकार ये विकार थोड़ी है, ये काम क्रोध लोभ इसको विकार क्यों, ये तो नेचर है, ये तो चली आई है, इनके बिना संसार कैसा। परंतु नहीं, वो है ही वाइसेस का ही इनको जाते हैं, और अंग्रेजी में भी कहते हैं वाइसलेस, उसको ही तो निर्विकारी कहते हैं। तो उन वाइसेस का ही तो नाश करना है ना, तो जब तक उनका नाश न हो तो निर्विकारी कैसे हो। तो ऐसे नहीं है कि इनके बिना संसार नहीं चलेगा या संसार चलाने की कोई यही अपनी सत्ता है, नहीं। और उसी चीज से हम दुखी हुए हैं, दुख का कारण भी यही है। तो बाप बैठ कर करके वो चीज निकाल के देता है कि तुमको दुखी किसने बनाया, तुम्हारा पाप कौन बनाता है, और पाप कराने वाली कौन सी चीज है। अब इनको छोड़ो तो पाप, बाकी ऐसे नहीं है कि तुम कहेंगे हम गला किसका काटते नहीं है, हम किसको धोखा थोड़े देते हैं, हम कोई झूठ थोड़े बोलते हैं, तो हम तो कोई पाप करते नहीं है। लेकिन अभी सब झूठ बोलते हो, हा? बाप तो ऐसा कहेगा ना, कैसे झूठ बोलते हो, तुमको पता नहीं है कि व्हाट एम आई, सेल्फ का नॉलेज नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा क्रिएटर कौन है, और मुझे करना क्या चाहिए। इन बातों की जो यथार्थ नॉलेज है वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम सत्यता को नहीं जानते हो, इसीलिए तुम ट्रुथ को जानते ही नहीं हो, तो जो कुछ चलते हो वो सब झूठ चलते हो। इसीलिए बाप कहते हैं देखो हो एक चीज कि मैं आत्मा, लेकिन अपन को समझ बैठे हो कि आई एम बॉडी, पर तुम बॉडी नहीं हो, तुम सोल हो। तो देखो ये भी झूठ हो गया ना, हो एक चीज और समझते हो अपने को दूसरी चीज, तो ये कितना भारी झूठ है। हो आप अगर हो लव जी और अपने को समझो कि नहीं मैं दूसरा हूँ, तो दूसरा का अपने को समझना, तो ये भी दूसरी चोरी करना है ना। है एक चीज और समझना अपने को, तो हो सोल और अपन को समझते हो बॉडी, तो इस जैसी और चोरी कौन सी है, हा? और ऐसी चोरी किया हुआ अपने को बॉडी समझ कर करके चलने वाला फिर क्या करेगा, हा? तो वो भी और भी दूसरों को भी चोरी सिखाएगा और दूसरों से भी ऐसे संबंध में चलेगा बॉडी कॉन्शियस में। नहीं तो रहना चाहिए सोल कॉन्शियस, और जिसको सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस कि हम आत्मा है और उसी परम पिता परमात्मा की संतान है, तो दोनों बुद्धि में चाहिए ना कि हमारा पहला रिलेशन उसके साथ है। तो जब तक अपना रियलाइजेशन नहीं है तो फिर वो कैसे रहेगा कि हम किसकी संतान है। अपने को सोल ही नहीं समझेगा तो सोल संतान परमात्मा का है ये भी बुद्धि में नहीं आएगा, और उसका रिलेशन नहीं रहेगा तो वो ताकत भी नहीं रहेगी जिससे हमारे ये भी जो है रिलेशन आत्माओं का आपसी का वो सुखकार रहे। इसीलिए बाप कहते देखो कितने झूठे हो, हाँ फिर अपने को समझते हम बड़े सच्चे हैं, हम किसको धोखा नहीं, ये तो धोखा अपने को ही धोखा दे बैठे हो, एक के बदली दूसरा मान के बैठे हो, तो ये बड़े से बड़ा धोखा है, अपने को भी धोखा और दूसरे से भी, फिर ऐसे चलते हो तो दूसरों को भी धोखा ही देते हो। और यही है एक धोखा घात करना, फिर इसी से चल करके तुम जो विकारों के वश चलते हो ना वो घात करते हो।
एक दो की हानि करते, उससे आत्मा निर्बल बनती जाती है। तो किसको निर्बल बनाना, किसको कमजोर बनाना, किसका घात करना, ये तो घात हुआ ना, नाश करते ना, ये तुम मानो अपना आत्मा की हानि करते हो। तो अपनी भी हानि करते हो, दूसरे की भी हानि करते हो, तो ये घातक न बने तो क्या बने हा? तो ये पाप न हुआ तो क्या हुआ, यही तो पाप है ना। तो तुम्हारा वो जो पाप हो रहा है तुमको पता नहीं चलता है, बाकी तुम बाहर से समझते हम किसका गला तो काटा ही नहीं है हा? हमने किसी का खून तो किया नहीं, हमने किसी से झूठ तो बोला ही नहीं, हमने किसी की कोई हानि तो की नहीं, और इतनी बड़ी हानि कर रहे हो, इतना नुकसान कर रहे हो अपना भी और दूसरों का भी, इसी से तुम अपने पर ये पाप का भागी बनते जाते हो, लेकिन इसका तुमको पता नहीं चलता है। इसी कारण ही तुम अपने कर्म में दुखी होते आए हो। ये दुख कैसे बनता है, अगर तुम्हें पता होता तो थोड़ी बनाता, कोई दुख बनाएगा अपना नहीं, सब बनाने में उसमें लगे हुए हो, सुख के बनाने में, लेकिन बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि तुम्हारी अनजानाई से तुम्हारे दुख के कारण जो है ना, हाँ, वो उल्टे कर्म होते रहते हैं और तुम्हारा दुख का कारण बनता जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी इसी बातों को समझो, और समझ कर करके जहाँ से तुम्हारा दुख बनता रहा है उसको अभी बंद करो, और फिर तुम अपने कारण को सुधार कर करके अपने लिए सुख बनाते चलो। वो कैसे चलो वो बैठ करके सिखाते हैं। अभी इसमें तो बहुत सीधी और सहज सिंपल बात है, इसमें भी कोई यहाँ मूंझने की या कोई संशय लाने की भी बात नहीं है। कहीं जो संशय कईयों को आ जाते हैं कि यहाँ घर ग्रस्त या ये सभी छुड़ाए जाते हैं, ये भाई छुड़ाने की थोड़ी बात है, ये तो और ही घर ग्रस्त को सुधारने की बात है। हमारी जीवन और घर ग्रस्त जो सदा सुख का रहे वो कैसे रहे, उसको ही तो बनाया जाते हैं ना। हमारे पास देखो आदर्श ही ये है प्रवृत्ति का, कि हम क्या बनाते हैं, यही तो एम रखी है कि हमको यही तो बनाना है। अगर हमको घर ग्रस्त छुड़ाना होता तो ये घर ग्रस्त का आदर्श क्यों रखा है, हा? यही तो घर है, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। इसीलिए कहते हैं अभी हाँ ये दुख की दुनिया अथवा दुख का जो घर ग्रस्त बना चुके हुए है, अभी उसको कैसे सुधारो, उस बिगड़ी को कैसे संवारो, इसीलिए कहते हैं इससे अभी मन को हटा करके अभी इसमें मन रखो। तो कहा जाता है नी अंत मते सो गते, इसीलिए अभी ये चीज कैसे बने उसी बनाने का तो ये प्रयत्न सिखाया जाता है नी। इसीलिए ऐसा कई जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ घर ग्रस्त को छुराया जाता है या यहाँ कुछ अपना प्रवृत्ति का कुछ नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ है ही आदर्श प्रवृत्ति का, और प्रवृत्ति का ही जो पूर्ण कंप्लीट आदर्श है वो कैसे बने, वही तो चीज बनवाई जाती है ना। और वो बनाने वाला है, कहते नहीं परमात्मा ने ये संसार बनाया, परमात्मा ने नर और नारी को रचा, ऐसे कहते हैं ना। तो परमात्मा ने कैसे रचा वो भी समझना है ना। परमात्मा ने ऐसे थोड़ी रचा तुम माँ दुखी रहो और ऐसे रहो, नहीं, परमात्मा ने जो चीज रची वो बड़ी अच्छी रची। वो कैसी रची वो बैठकर करके समझाते हैं कि हमने ऐसी रची और तुमने उसको क्या बना दिया, देखो तो सही क्या बन गए हो। अपने से ही देखो, अपने जीवन से देखो क्या बन गए हो, दुखी रोगी अकाले मृत्यु और ये संसार के कहीं देखो दुख के सब, ये मैंने थोड़ी बनाए। इसीलिए बाप कहते मैंने क्या बनाया, नर और नारी मैंने कैसा बनाया, और तुम्हारा संसार तुम्हारे रिलेशन ये सब मैंने कैसे बनाए वो बैठक के समझाते। देखो ये रिलेशन है ना, ये प्रवृत्ति तो दिखलाते हैं नर नारी दोनों रिलेशन में खड़े हैं, ये ऐसे नहीं अलग अलग हैं। ये नर नारी को पति पत्नी तो संबंध दिखलाते, तो पति पत्नी तो जरूर बच्चे भी होंगे, फिर बच्चे होंगे तो सब रिलेशन से राजा प्रजा सारा संसार का होगा ना। तो इसे सिद्ध होता है ना ये संसार पूजा जाता है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा संसार क्या था, बड़ा पूजनीय था, अभी देखो क्या हो गए हो, दुखी कंगाल मोहताज, अभी मरो तो मरो, रोगी बनो तो रोगी बनो, मनुष्य क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, फिर भी मनुष्य देखो कितना अपना अभिमान रखते हैं कि हाँ हम ये बड़े फर्ज अदा करते हैं। भाई ग्रस्त के भी तो फर्ज अदा करने हैं ना, अभी ग्रस्त के फर्ज न करेंगे, कौन कहता है कि फर्ज न करो, परंतु फर्ज पालने की ताकत कहाँ है। अभी अभी बाप बैठा है, बच्चे को कुछ होगा, बाप क्या कर सकता है, कुछ करेगा, कुछ नहीं कर सकते हो। भले यार चलो धन होगा पैसा होगा करके कुछ उसका इलाज करेंगे या कुछ करेंगे बस ना, परंतु कोई कर्म का ऐसा करा हिसाब है उसके होते भी कुछ नहीं बन पाता है, फिर क्या करेंगे, फिर कहेंगे नहीं किस्मत। तो फर्ज हुआ ये जो किस्मत पर आकर बात लगानी पड़े, अच्छा हमारे कर्म या इनकी किस्मत ऐसा कहना पड़े तो उसको क्या कहेंगे, ये थोड़ी फर्ज हुआ, वो तो किस्मत के वश हुआ ना, जो कर्म किए उसके वश है।
तो फिर तो कहेंगे ना जो कर्म किया है उसका पाना है, तो फिर क्यों कहते हो ये हमने फर्ज किया। फर्ज वो है जो अपने बच्चे को अपने जो भी ड्यूटी है उसमें पूर्ण चला सको, परंतु चलाने की ताकत कहाँ है अभी, तो वो ताकत नहीं है ना। तो बिना ताकत के लिए अभिमान रखना कि हम फर्ज अदा कर रहे हैं, तो फर्ज अदा होता ही कहाँ। स्त्री के बैठे पति चला जाता है तो ये कहाँ है फर्ज हा? नहीं तो लॉ नहीं है वो, हमारी जीवन का लॉ था। कभी स्त्री के बैठे पति नहीं जाता, यानी स्त्री विडो नहीं हो सकती, कभी विडो का शब्द था ही नहीं। लेकिन आज कहाँ है वो ताकत, कहाँ है ये सभी मरना जन्मना कोई अपने वश में है ही नहीं, इसका कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारी बेवसी, जीवन हमारी लेकिन जीवन में हम बेवस हैं। जीवन को हम अपने तरह से और अपने पूरे सुख का साधन के रूप में नहीं चला सकते हैं। नहीं तो ये जीवन हमारा सुख का साधन है ना, जीवन काय के लिए, जीवन मुक्ति के लिए है ना, जिसमें कोई दुख का नाम निशान हो, लेकिन अभी है कहाँ। तो यही बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि जो तुम्हारी लाइफ है, लाइफ पाकर करके तुम सदा सुखी रहो उसके लिए है, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है ना कि सुखी हो उसमें। इसीलिए कहते हैं कि वो चीज जो मैंने बनाई थी वो ऐसी बनाई थी, उसमें कोई दुख नहीं था, लेकिन अभी तो दुख आ चुका है ना, तो वो तुम्हारी भूल है। इसीलिए कहते हैं उसकी आकर के मैं रोशनी देता हूँ, अभी जगाता हूँ कि जागो सजनिया, अभी आँख खोलो कुछ था, ये तुम कहाँ भूल से अपना ये दुख का सब बना कर करके और उसमें सो गए हो, अभी जागो, अभी नव युग आते हैं, अभी फिर से यहाँ ऐसी दुनिया बनने का टाइम आया हुआ है, तो अभी जा कर करके अभी उसके लिए तैयारी करो और उसके लिए अपना पुरुषार्थ रखो। तो अभी वो बैठ कर करके समझाते, तो ये तो अच्छी बात है ना, इसको क्या कहेंगे घर गृहस्थ बिगाड़ना है हा? ये तो और ही हमारे घर गृहस्थ में बल ताकत शक्ति जिसको कहा जाए कर्म श्रेष्ठ की धारणा बैठ कर करके बाप देता है, इसमें और तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज समझनी है, पर उसको बहुत नहीं समझने के कारण, मिसअंडरस्टैंड करने के कारण कहीं समझते हैं कि नहीं यह शायद ऐसा कुछ सिखाया जाता है, पर तो ऐसी कोई बात ये भी सिखाया ही ये जाते हैं कि अपने घर गृहस्थ को, लेकिन उसमें ताकत आनी चाहिए ना, ये भी कर्म के हिसाब से सब चलता है ना, कोई पति बना, कोई पत्नी बना, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, ये सब क्या है, कर्म का हिसाब है ना, तो कर्म के हिसाब में ही बल भरो जो तुम्हारे कर्म का खाता अच्छा चले। तो ये तो और ही कर्मों के खाते को सुधारने की चीज है, बाकी इसमें और तो कोई बात ही नहीं है। आप वो तो और संन्यास जो है जो घर बार छोड़ के जाते हैं, वो तो सीधा ही सीधा घर बिगाड़ने की बात है, क्योंकि घर बिगड़ जाते हैं चले जाते हैं, उसमें तो और ही पति चला जाता है, क्योंकि पुरुषों के लिए है ना, नारियों के लिए नहीं है, खाली पुरुषों के लिए, तो वो तो सीधा या पुरुष चला जाए तो बेचारी नारियों का हाल क्या रहेगा, वो तो सीधा घर बिगाड़ने वाली चीज है, क्योंकि पुरुष ही तो घर का मेन है ना, हाँ कमाए खाए तो घर वाले कहाँ से, अगर नारी चली जाए तो पुरुष के लिए नारियां तो बहुत है हा? एक छोड़ेगा दूसरी ले लेगा, लेकिन अपने हिंदू रवाज के अनुसार तो पुरुष चला जाए बेचारी हिंदू नारी के लिए, तो ये है ही नहीं कि जाकर के दूसरा करे, ये तो और ही संन्यास उसी ढंग से तो और ही बिगाड़ने वाला घर का हो गया ना, कि पुरुष चला जाए तो बेचारी नारी क्या करे। तो ये तो जो सीधा संन्यास जिसको घर बार उसकी तो मान्यता करती है, बहुत इज्जत करती है, उनको तो कोई भी देखेंगे तो आनेमन करेंगे, तो उनकी इज्जत करते हैं, ये तो और ही बाप बैठ कर करके अपनी पवित्र प्रवृत्ति का आदर्श सुनाते हैं, कैसे दोनों रह कर करके और अपने को, क्योंकि दोनों को हक है, दोनों ही तो आत्माएं हो ना और उसी बाप की संतान हो, तो तुम दोनों को हक है, ऐसे नहीं उस आत्मा को हक नहीं है, नहीं उसको भी हक है तेरे को भी हक है, और तुम दोनों इम्प्योर हुई हो, दोनों को प्योर होना है, ऐसे नहीं खाली एक प्योर हो एक इम्प्योर रहेंगी तो फिर संसार कैसा सुधरेगा। हाँ ये अगर इम्प्योर बैठी है तो तुम भी यहाँ फिर दूसरा कहाँ जाएंगे, जब तक ये सभी दोनों न प्योर बने तो संसार स्वर्ग कैसा हो सकेगा। इसीलिए देखो तुम्हारे उसी संन्यास से संसार कोई स्वर्ग तो नहीं होता है ना, इसलिए बाप कहते मैं आता हूँ दोनों को बनाने के लिए, और उसी से ही तो घर गृह और कहा भी जाते हैं घर घर स्वर्ग, तो घर घर स्वर्ग तो ऐसा होगा ना, बाकी घर घर स्वर्ग ऐसा थोड़ी होगा, क्या वो घर बार छोड़ के चले जाएंगे तो फिर स्वर्ग कैसा हो, तो घर घर को स्वर्ग बनाना है ना। अभी घर घर स्वर्ग कैसे बने उसकी देखो ये प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में बैठ कर करके बाप कराते, तो इन सभी चीजों को समझना है। इसलिए ऐसे जो मिसअंडरस्टैंड करते है ना कि भाई घर बार यहाँ छुड़ाया जाता है, वो मिसअंडरस्टैंड मत करो, यहाँ है
लाइफ की एम क्या है वो बनाई जाती है, तो यहाँ की भी एम को समझना चाहिए। परंतु आते हैं कभी कभी नए, कभी कोई आते हैं कभी कोई आते हैं, ऐसे भी धोखा आ जाता है, तो फिर दूसरे की सुनी सुनाई बातों से तो काफी कुछ मिसअंडरस्टैंड हो सकता है। परंतु ऐसी मिसअंडरस्टैंड जो सियाने होते हैं ना, वो कहते नहीं हम अपने आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, तभी उसी का कर सकें। तो समझदार का काम है और बात को अच्छी तरह से देख समझ और फिर उस बात के राइट और रॉन्ग को समझना चाहिए। और यहाँ है भी अपने सवाय, और देखो जो भी आप अनुभव सुनते हो ना आस्ते आस्ते बुराइयां और निकलती जाती हैं, अच्छाइयां आती हैं। तो अच्छाई बनाने के लिए, अच्छी जीवन बनाने के लिए, और घर गृहस्थी अच्छा बनता है ना, तो अच्छा बनाने में क्या बुराई है हा? उसकी माना है कि मनुष्य आजकल बुराई छूटने का होता नहीं है हा? तभी समझते हैं कि नहीं यहाँ ऐसा क्यों, ऐसे तो बुराइयों में फंस गए हैं कि बुराई छोड़ने पर उनका जी नहीं चाहता है, विकार छूटते नहीं है। और फिर समझते हैं कि हाँ कि यहाँ क्यों ऐसी विकारों को क्यों छुराया जाता है, विकार तो नेचर है, विकार तो हाँ सदा से चले आए हैं, इतने तो उसमें फंस गए हैं। पर तो नहीं, ये कोई सदा वाली चीज नहीं है, सदा की होती तो फिर इतना होता ही नहीं कि हम इसको क्यों कहते। ये यहाँ निर्विकारी महिमा भी कहती है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो निर्विकारी शब्द किसके लिए है, खाली कहने के लिए, कुछ करने के लिए है ना, खाली कहने के लिए। अगर भरोसे वाली जीवन है, कल को मर जाए पासी बुलाए, अब भी कुछ हो जाए पासी बुलाए, परंतु तो भी मनुष्य चलता है सर, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, शादी करूंगा बच्चे पैदा करूंगा ये करूंगा कमाऊंगा करूंगा, चलता तो ऐसा है ना। हाँ देखो छोटा बच्चा है तो भी कहेंगे हाँ मैं पढ़ूंगा मैट्रिक पास, फिर कॉलेज पास, फिर डॉक्टर बनूंगा, फिर ये करूंगा, सोच के चलता है, छोटे से ही सोच के चलता है। वो ख्याल नहीं करता कल को मर जाऊं, इसीलिए भाई मर जाऊं तो इसीलिए कुछ ना करूं, पता नहीं कल मर जाऊं, पता नहीं कल मर जाऊं, पता नहीं करूं तो कुछ करूं ही नहीं, ऐसा कोई करता है, कोई नहीं करता है। हो सकता है, पॉसिबल है, तो पॉसिबल होते भी कोई चलते तो ऐसा नहीं है ना, चलते ऐसे जैसे कि हमको बैठना है, सब कुछ करना, कहीं युगों तक चलना ऐसा समझते हैं, तो चलते तो ऐसे। इसमें क्यों ऐसा, जिसमें फिर भरोसा है और जिसमें गारंटी है बाकी कि हाँ तुमको अवश्य मिलना है और अवश्य ये चीज आने की है, तो जो गारंटी वाली चीज है उसमें तो समझते हैं कि नहीं ऐसा क्यों करे, फिर भी जुड़ना है, फिर भी फंसना है तो फंसे ही रहे, हाँ चढ़े ही क्यों। हाँ तो ये देखो इसको क्या कहेंगे, हाँ महामूर्खता। मूर्ख तो पहले ही है, परंतु ये समझ कर करके फिर कहीं समझते हैं हम छूटे ही क्यों, फंसे ही पड़े, फिर भी फंसना होगा इसलिए फंसे ही पड़े, तो ये क्या मूर्खता न हुई तो क्या हुआ। इसीलिए बाप कहते ऐसे माँ मूर्ख मत बनो, कहते हैं संडे है इसलिए और माँ की मीठे मीठे बहुत ऐसे सपूत और समझदार और जो गुण ग्रहक है अर्थात गुण को ग्रहण करने वाले, अच्छी बात ग्रहण करनी चाहिए, कोई बात अयोग्य हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे जो अच्छे बच्चे हैं समझदार बच्चों की प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग गुड डे एवरी टाइम जो प्यार करना है ऐसा फिलहाल होना अच्छा।